नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जियो बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा। जो सो जियो पेमेंट बैंक या फिर माई जियो एप्लीकेशन से किस प्रकार से आपको जो कि पर्सनल लोन लेना है आपको इस वीडियो में मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। क्या क्या यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ मैं जो कि इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, ना ही स्किप करना है। अगर आप अदर किसी बैंक से या फिर किसी भी अदर एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना है इंस्टेंटली कम सिविल स्कोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको जो है कि वहाँ से अप्लाई हो जाएगा और इंस्टेंट पर्सनल लोन भी मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, हम जियो बैंक में पर्सनल लोन लाइव अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो बढ़ते हैं उसके लिए आगे। सो सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जाना है माई जियो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, यहाँ इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसमें अकाउंट वगैरह बना लेना आपके जियो नंबर से, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको जो लॉगिन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर करना है क्या, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना है इस वीडियो को। आपको इसमें कोई भी अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको यहाँ से जो एक माई जियो अकाउंट बनाइए उसके बाद में आपको जो कि यहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा, अगर है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये भी, ठीक है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आपको सबसे पहले अब करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो कि मोर ऑप्शन दिखा दे रहा है, इसमें ये वाला ऑप्शन देखना है, इजी गवर्नमेंट एप्लीकेशन जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको जो कि सर्च करना है और देन इसको ओपन करना है। अदरवाइज यहाँ पर नहीं मिलता तो आप जो कि सर्च भी कर सकते हैं, मैंने सर्च करके देखा था ये आ गया था, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम ऐसा ओपन ऐसा सर्च करना है, देन ओपन करना है इसको। ओपन करने के बाद में आपको जो है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो कि लैंग्वेज वगैरह चुननी पड़ेगी, तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है कि फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेम टू सेम। आप जो कि यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी चूज़ कर लेना, देन आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। आपको सिटी चूज़ करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है कि आपका स्टेट जो है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप जो भी सिटी में है वो सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तो मैं सिंपली इंदौर में हूँ तो यहाँ पर जो कि इसको सिटी सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको होम पेज पर आप पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर होम पेज पर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिससे कि ऊपर ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है पर्सनल लोन इन 48 हर हसल फ्री, ये वाला ऑप्शन जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि और भी है यहाँ पर जो इंस्टेंट पर्सनल लोन, ये वाला भी ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, पर्सनल लोन इन 48 हर ये वाला भी है। तो आप जो है कि कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो मैं सिंपली चलो इंस्टेंट पर्सनल लोन वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन वाले पे अप्लाई नो पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको करना है क्या है कि यहाँ पर आपको जो भी जितना भी यहाँ पर लोन चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर जो है कि आपको रिकमेंडेड रहेगा आप जो है कि स्टार्टिंग में कम ही सिलेक्ट करना। अगर आपका जो है कि सिविल वगैरह सब कुछ अच्छा है थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। मैं सिंपली यहाँ पर 50,000 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो है कि EMI यहाँ पर चूज़ करनी होगी, मैं सिंपली 12 से 24 महीने यहाँ पर जो कि EMI चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि इतने महीने तक के लिए मुझे लोन चाहिए। अब यहाँ पर जो है कि आपको किस वजह से लोन चाहिए, पर्पज़ आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो है कि पर्पज़ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी एक्सपेंसेस कर सकते हैं आप, होम रिनोवेशन या इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है कि इमरजेंसी एक्सपेंसेस में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो है कि आपको इंडस्ट्री चूज़ करनी है जिसमें आप वर्किंग करते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड इसमें क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना है क्या कि आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको बतानी है, तो आप जो भी हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जिससे कि आप देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप एम्प्लॉयड सैलरीड पर्सन, जो भी आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपको अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। अगर आप रिटायर हो चुके तो आपको सिंपली नीचे वाला सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि सिलेक्ट करना है कि आपका टाइप क्या है, ठीक है, अनऑर्गेनाइजेशन वर्क जो है कि आप किस में काम करते हैं वो वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर जो है कि जो भी आप सर्च करना है यहाँ पर चूज़ लगे आपको सही वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेना। मैं सिंपली आधार पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो है कि आपको एक्सप्लोर मोर सर्विस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया है कि थैंक यू, वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट करंटली वी डू नॉट हैव एनी सूटेबल लोन प्रोवाइडर फॉर यू, वी विल नोटिफाई यू एज सून एज। तो हमने जो है कि यहाँ पर कुछ आधार वगैरह सेलेक्ट कर लिया, तो आप जो है कि दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना, देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलो मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ट्राई किया है तो हो गया है मेरा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर सिलेक्ट है अच्छे से आपको ट्राई करना है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में अच्छे से ट्राई नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पर आप उसके बाद में इस प्रकार इंटरफेस आपका आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस टू अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है।
आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है कि इसमें कुछ डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी होगी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ इसके बारे में अच्छे से। आपको पैन कार्ड नंबर, उसके बाद में आपको जो कि पैन कार्ड पर जो नाम है वो, आपके जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपको जो कि एकेडमिक ईयर आपने जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने पूरी की है वो वाला, आपको मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मोबाइल नंबर देन ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करना है, नीचे जाना है, नीचे आने के बाद में आपको करंट एड्रेस फिल कर देना है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, आप क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा, उसके बाद में आपको जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन आपको पूरा करना है, आप जो कि चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। चलो ये सब कुछ मैं फिल करके आपको नेक्स्ट बताता हूँ। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है, जैसे कि करंट एड्रेस वगैरह, जैसे कि मैंने सब कुछ फिल कर दिया, देना आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, देना आपको सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा कुछ गलत हो गया है तो हम यहाँ पर सही कर देते हैं। इसमें यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है, तो हमने जो बैंक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको जो कि सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइव मैंने आपके सामने यहाँ पर करके दिखाया है सब कुछ ए टू जेड डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सा वेट करना है, आपको यहाँ पर आप एक बार वो रिव्यू कर लेना आपकी एप्लीकेशन को जैसा भी है वैसा, उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी जो है कि यहाँ पर बिड सक्सेस यहाँ पर हो जाएगी रजिस्टर्ड, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है कि देख पा रहे होंगे आपके पास में सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो कि 48 हर का यहाँ पर वेट करना होगा, देन आपको जो कि यहाँ पर एक कॉल आएगा, उस कॉल में आपको जो है कि यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, वो बैंक डिटेल्स भी आपसे पूछेंगे, उसी बैंक की डिटेल्स में आपको जो कि यहाँ पर आपके पैसे यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, अगर आप जो एलिजिबल रहते हैं तो आपको कॉल आएगा, अदरवाइज़ आप जो है कि यहाँ पर नहीं आ पाएगा। आपको मैं आपको जो कि एक और बार मैं यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपका इसमें अकाउंट है या फिर नहीं है तो आप जो है कि इसमें ओपन कर लेना, ताकि यहाँ पर जियो फ्यूचर में यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने वाला है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ा यहाँ पर उन्होंने अभी अभी प्लान निकाला है, तो उसके तहत यहाँ पर आपको सभी को जो है कि लोन प्रोवाइड करेगा, तो आपको जो है कि इसमें अकाउंट वगैरह बना लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपने पहले से यहाँ पर बिड यहाँ पर आपकी डाल दी है, तो आपको यहाँ पर जो है कि सबसे पहले यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपकी बिड यहाँ पर पहले से ऑलरेडी उनके पास में रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ से आपका रजिस्टर्ड करना है, अगर आप जो कि अभी एलिजिबल रहते हैं, आपका सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो आपको जो है कि इसी समय यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको कॉल आएगा, उस कॉल में आपको जो है कि सारी जानकारी देनी है, वीडियो कॉल के तहत यहाँ पर भी हो सकता है। तो अभी जो है कि इस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ से इसमें रजिस्टर करना है या फिर पर्सनल लोन लेना है माई जियो एप्लीकेशन से। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जो जाना, मिलता है किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।